नमस्कार जी, मैं हूं धर्म सोनीपत। आज पहुंचे हम डिस्ट्रिक्ट भिवानी के अंदर, यहां पहुंचे हैं। आप पिछली वीडियो में भी काफी वंचित होंगे, सुबह की वीडियो भी है, कल की भी है, परसों की, दो दिन पहले की भी है। कहीं दहेज या लोभ में एक की हत्या होगी, कहीं तीन तीन की भी होगी, साथ में दो बच्ची 6 साल की 7 साल की, साथ में माँ की भी। आज ऐसा ही केस और सामने आया है जो एक बहुत ही शर्मसार कर देने वाला है। एक किसान पिताजी अपनी जमीन जायदाद बेचकर अपनी बेटी के सुकून के लिए शादी करता उसकी, और बड़े धूमधाम से शादी कर दी, और बाद में खुलासा कुछ और होता है उनका। कुछ मांग पहले पूरी कर दी, कुछ और डिमांड करी जा रही है, और वो खुलासा यहाँ हमारे पास जो मृतक लड़की है, क्या नाम बताया इसका, मीनू जी, मीनू मृतक लड़की है, उनके पिताजी मौजूद हैं, बाकी और भी काफी परिवार मौजूद है। इनसे बातचीत करेंगे, अभी बात करते हैं इनसे। हाँ जी, नमस्कार अंकल जी। नमस्कार। आप इसके गुड़िया के मृतक के पिताजी है ना? हाँ जी। एक बार कितने दिन पहले शादी करी थी बेटी की? या जी, 1.5 साल हो गया जी। 1.5 साल समथिंग। और जो है शादी के बाद में कुछ दिन ठीक गए नहीं गए, लेकिन डिस्प्यूट जो झगड़ाबाजी चालू हुआ है वो कितने दिन पहले चालू हुआ और वजह क्या थी उसकी? 10 दिन पाछे शुरुआत कर दी थी जी हमने लेन देन की। किस लेन देन की? किस चीज के लेके? मतलब गाड़ी की मांग करने लगे थी जी। 11 लाख पहला दे रखे थे, और उन्होंने गाड़ी दे दे तारा के जगह एक आध की जमीन धारा, तो एक आध किला और दे दो करके ना वो जमीन को उसका मांग शुरू कर दी थी जी। हमने चलना था वहां भी मांग कर दी थी आड़ा आके ना, भाई दे दो छोरी सुख पाओगी नहीं आ पाओगी, नौकरी वाला है तारा ध्यान भी कौन नौकरी वाला, हम तो नौकरी वाला मिल गया था हमने, हमने और क्या चाहिए। वो मतलब 11 लाख रुपए जो के खर्चे नगद दिए आपने? नगद दिए थे 11 लाख। तो जी किस चीज के मान का? मतलब वो जो टिक्का के हिसाब से दिए थे 11 लाख का। टिक्का कम है या उसमें मतलब गाड़ी का ना का कि लगन, लगन बोलने को वो कैश दिया था 11 लाख कैश था। ये तो आपके ब्याह शादी के फोटो में वीडियो में भी होगा? हाँ सर जी, 11 लाख वो फोटो में वीडियो में वो उस पर है जाली बम है ना, वो बनाकर जो पुस्तक सिवा। ये जो हो ना हो कहीं ना कहीं लड़की पक्ष उसमें आप भी आगे हम भी आगे, ये कुछ गलत नहीं मानते कि भाई आज लड़के पक्ष की जो भूख बढ़ती जहां दिन पे दिन, आगे कोई भी जरूरत होगी उनके परिवार की नीड होगी और वो लड़के पक्ष को मांगेंगे, आज 11 लाख दे दिए, कल को उन्हें 5-7-10 की जरूरत पड़ेगी, कल को फिर मांगेंगे, फिर क्या करोगे? मांग तो करी थी जी, वाट में देने पड़ जाए नौकरी खातर जी, नौकरी खातर दी थे, सुख पाओगी छोरी जा मार दी थी, फिर भूख तो बड़ी है जी उनकी, घटी थोड़ी है, और मांगने लगे जी। एक और मांगे फिर दोबारा 2 लाख एक बार मांगे जी, 2 लाख दे दो, फिर गुट्ठी काठी मांगी है जी पाचे, गुट्ठी काठी 11 लाख दे के ना लगन में शादी में 11 लाख दे दिए, और दो और मांगे फिर। हाँ दो और मांगे जी। वो शादी के कितना टाइम बाद मांगे हुए? वो महीने के पाछे मांगे जी, फिर दाम दे नहीं पाए उनने। अच्छा, ये 2 लाख का क्या बहाना बना था, क्या कीमत रखा उन्हें? 2 लाख दे दो किम गाड़ी का डालें किम पाछे दे दियो, यो मैटर था गाड़ी वाला है। दहेज का ये हो गया। आज जो वहां ये हादसा हुआ ससुराल पक्ष में, उनका मानना की है कि कैसे मारी गई लड़की? वो तो जी फांसी खा गया अपनी ओर, फांसी खाए उड़ के उसका साबुत तो को नहीं, फांसी खाएड़ा वो तो अस्पताल में ले जा रखी थी। आपका मानना क्या है? क्यों मानना तो जी उसमें लाग रही नकम खून आ रहे माथा लाग रही पाला मार के तला ना वारी है फांसी के गला घोट के मारी उड़ी। ये आपके पास में फोटो फाटो भी होगा जिसका? हाँ फोटो जी, मोबाइल में फोटो तारा के नुकान। इस वीडियो में जो है जिस तरीके का हमने ग्राउंड पे बेटी का फोटो देखा है, ये फोटो प्रॉपर दिखाना अलाउ नहीं है, लेकिन उसको ब्लर करके उसको जरूर कुछ न कुछ आपके सामने लाएंगे, क्योंकि मीडिया का भी अपना कुछ दायरा होता है, मान मर्यादा होती है, जिसके तहत जिसके अंदर ही काम करना होता है। लेकिन हमने आज ये फोटो में ये देखा गया है कि मत्थे पे सामने चोट है, नाक में से भी
खून आ गया पूरा मुंह जो ब्लडिंग के अंदर दसा हुआ है। और ऐसा होता नहीं वैसे, कोई अगर मालिक खुदकुशी करना चाहेगा तो पहले अपने माथे पे चोट मारेगा और फिर मुंह फोड़ेगा नाक फोड़ेगा फिर ये काम करेगा। इससे जो है प्रक्रिया को देख के ये लगता है कि हो ना हो ये खुदकुशी नहीं है। और जो इसमें मेडिकल रिपोर्ट आई अंकल जी, कुछ मेडिकल रिपोर्ट आई थी तो है उसमें तो गला घोट के दिखा रखी थी, गला घोट के दिखा रखा है। इसमें जो है मेडिकल रिपोर्ट भी आ गई है, गला घोट के मार रखी है। और जो लटकी हुई का जो गैप देखा होगा आपने, उससे मतलब पैर कितने ऊपर थे, मतलब चलो उनकी बात मानते हैं, टिक रहे थे जी उसको बेड के ऊपर, बेड पे टिक रहे थे उस रूम में। मतलब हकीकत आपने जाके रूम के अंदर देखा था वहाँ कुछ कुछ नहीं था जी उसमें, नहीं जैसे कुर्सी कर एक मिनट, जैसे बेड के ऊपर एक मिनट जी, जैसे बेड के ऊपर बच्चा माले ऐसी हरकत करना सोचता है तो उसके ऊपर कुर्सी टेबल या बाल्टी वाल्टी रख कर ना, ताकि उसके फिर लात मार के, ऐसा कुछ हाँ कुछ नहीं था जी, कुछ नहीं था। और कुछ नहीं था और उसके बेड में पैर भी टिक रहे थे, हाँ पैर टिक रहे थे जाम, मतलब मार के टांगे उड़ी थी। जब हमने खबर मिली उनका फोन आया वो बोल रहे थे, एक मिनट आप के लग लो गुड़िया के, इसके भाई सगे भाई हो ना, तो का लड़का हूँ। देखा आपने? हमने देखा जी, उड़े तो फोन आया तो ये चाचा और यो भाई और चाची गए थे, इनके पास फोन आया पूरा तमोसा जी का कि आपकी लड़की ने संभाल लो हॉस्पिटल में जा रही है। उनने ये नहीं बताया कि वो मर चुकी है, और जो ये पहुंचे तो उनने बताया जो मरीज थे वहां पर कि ये तो मरी नहीं ले आए थे। और उसके बाद जो हम वहां पर गए हैं तो हमने देखा है तो बेड की हाइट थी उसका 6 फुट ऊपर था पंखा, और 5 मास तो लड़की की हाइटे थी, और पंखा की जो पंखड़ी है वो मोड़ रखी थी, अपना तो मोड़ रखी थी जी। उनके परिवार में कौन कौन मौजूद था उस टाइम पे? कोई ना थी जी, उड़ा हम गए ना हॉस्पिटल में कौन ले गया वहाँ? वो तो जी उसका हस्बैंड तो गेर का आया था जी, क्या काम कर रहा था वो? फौज में था जी, फौज में, वो हॉस्पिटल में छोड़ के चला गया। हाँ जी, गेर का वहां से मरतना और भाग गया वहां से। और यहाँ फिर पता कैसे लगा आपने किसके द्वारा आई? उसके पापा का फोन आया था जी, वो दारू पी रहा था, उसने जब तक होश नहीं था कि वो फोन कर रहा है, उनकी फैमिली ने मना कर दिया था वही किसी के पास फोन नहीं करना है, वो उनकी गलती होगी कि फोन हमारे पास आ गया। और हम पहुंचे तो देखा कि लड़की तो मर्त पड़ी है। हाँ जी, आज एक फौजी जो है कौन सी आर्मी में था, बीएसएफ में क्या था? आर्मी में था जी। फौजी के ऊपर पूरा देश भरोसा करता है और ये माना जाता है कि फौजी देश की सीमाओं को रात दिन जग के सुरक्षित रखे हैं, और फौजी जगते हैं तो पूरा देश आराम से सोता है। लेकिन जो फौजी अपनी स्वयं बीबी की रक्षा नहीं कर सकता और उसको उठा के हॉस्पिटल में मृत अवस्था में छोड़ के और वहां से फरार हो जाता है, उसके ऊपर देश भरोसा करेगा तो बहुत ही एक लानत की बात है। ऐसे फौजी की इस देश को जरूरत नहीं है, क्योंकि हो ना हो आज घर में गुस्ताखी करी है, कल को किसी देश के कोने में उसकी ड्यूटी लगी हो और वहां गुस्ताखी कर दी तो देश का अंजाम क्या होगा, आप ये समझ सकते हो, जो कि आज पीड़ित परिवार में बताया गया है। अगर दूसरा पक्ष सामने आता है तो मोस्ट वेलकम, स्वागत करते हैं हम उनका। अगर हमारे सवालों के पीड़ित परिवार के मुताबिक अगर जवाबदेही में सामने आते हैं, अपने आप को निर्दोष साबित करना चाहते हैं और ये मानते हैं ये पक्ष जो गलत कह रहा है, तो स्वागत करते हैं उनका। लेकिन ऐसे फौजी की इस देश को जरूरत नहीं है। आज जो बीबी को जिंदा देख कर खुश नहीं है, 11 लाख रुपए नगद कैश लेके 2 लाख रुपए और मांग के, और उसको जो है एक आज क्या चीज़ जी, हाँ अंगूठी जेवरात कुछ और भी काफी सामान है, वो भी जो है बारी बारी से बताएंगे। और जो है यहाँ 11 लाख रुपए अंकल जी ये देख है, और जो 2 लाख रुपए और मांग लिए और वहां छोड़ के चला गया,
फिर दाह संस्कार करने के लिए लड़की को यही लेके कोई नहीं था, उड़ लेनी है। आप लोग ये मानते हैं ना, सारे बड़े बुजुर्ग बैठे हैं कि लड़की की मायके से डोली उड़ जाती है और अर्थी वहीं से जाएगी। हाँ, मन जी फिर अगर, लेनी आता नहीं था कोई। अगर ससुराल पक्ष अगर सही हो तो ये जो कहावत एकदम फैक्ट है, क्योंकि अगर वहां उस हालात में कोई नहीं संभालेगा तो ये मजबूरी होती है बेबस परिवार की, बेबस पिताजी की, और किस हालत में छोड़ के किसके भरोसे छोड़े। जिस लड़की की ऐसे हालात दाह संस्कार मायके में होता है वो साफ साफ आरोपी नहीं बल्कि बहुत बड़ा गुनाहगार हो लड़का पक्ष, जो उस हालात में उनको ईंधन गोसा भी नहीं दे सकता। ये बात सही है गलत है? सही है जी। जब तक आप लोग इसको शेयर करते ना, और बने लोक शक्ति मीडिया से। धन्यवाद। सत्यमेव जयते।